जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने संभाला कार्यभार, कोविड के बढ़ते संक्रमण से जिले वासियों को सतर्क रहने की दी सलाह। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर हुआ गौल शंकर बिसेन का भव्य स्वागत। प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी किन्नी चौकी कोदाबुर्रा निवासी स्कूली छात्रा की हत्या, गिरफ्तार आरोपी ने किया खुलासा। तिरोड़ी कटंगी ब्रॉडगेज का निरीक्षण करने पहुंचे एडीआरएम, गर्रा फाटक पर लगा लंबा जाम, जान जोखिम में डालकर लोग पार करते रहे छोटा पुल। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित टी कॉफी दुकान से अज्ञात आरोपियों ने की 20,000 रुपए की डकैती। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी, सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरितालिका तीज पर गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जहां हिंदू धर्म की सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत धारण कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेगी, वहीं सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी निर्जला व्रत धारण कर मनोवांछित वर की कामना करेंगी। इस दिन व्रती महिलाएं व्रत के संकल्प के साथ सुबह स्नान कर नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करेगी। व्रत धारण कर पूजा की जगह पर चौका पूरा कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर माँ पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएंगी। वहीं भगवान को भोग लगाकर पूजा अर्चना करेगी। पूजा के बाद कथा का आयोजन कर रात्रि जागरण करेगी। इसके अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर लगाकर हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलेंगी। चांगटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोहरी नाला में मछली मारने के जाल में फंसी एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक कृपाल मड़ावी 57 साल वार्ड नंबर 7 देवसर्रा थाना चांगटोला का निवासी है, जिसके नाले में डूबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को 12 बजे कृपाल मरावी मछली मारने का जाल लेकर मछली मारने निकला था, जो घर वापस नहीं लौटा। परिजनों के द्वारा तलाश करने पर भी कृपाल मरावी नहीं मिला। 7 सितंबर को कृपाल मरावी के परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी। इस दौरान ग्राम देवसर्रा समीप लोहरी नाला समीप पेड़ के नीचे कृपाल मरावी के कपड़े, थैला और गमछा दिखाई दिया, जिसकी सूचना चांगटोला थाने में दी गई, जहां से सहायक उप निरीक्षक चंद्रकुमार अहिरवार ने लोहरी नाला पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों से नाले की तलाश करवाई। नाले से कृपाल मरावी की जाल में फंसी हुई लाश बाहर निकाली गई। विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके प्रथम नगर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आज काफी उत्साह नजर आया। विधायक गौरीशंकर बिसेन के स्वागत को लेकर बड़ी ही संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता 8 सितंबर की सुबह गोंदिया पहुंचे, जहां श्री बिसेन का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उनका काफिला बालाघाट के लिए बढ़ा और बालाघाट पहुंचने के दौरान किरणापुर, रजेगांव सहित भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा जगह जगह उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं मंची कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां बालाघाट के ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि अब तक उनके कार्यकाल में भाजपा कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 15 अगस्त को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की घोषणा की गई थी और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में 52% ओबीसी जाति के लोग हैं, जिनके कल्याण की जवाबदारी उनके पार्टी के द्वारा उन्हें दी गई है, जिनके परिणाम तो देना ही होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में देश या प्रदेश की बात करें तो पॉलिटिकल केंद्र बिंदु ओबीसी ही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार नहीं होती तो उन्हें यह गौरव प्राप्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि 1977 से विधानसभा के 9 चुनाव,
और 91 से लोकसभा के 4 चुनाव। साथ ही साथ 2 बार मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी बनने के उपरांत जब मैं आपके मध्य आया, इतना उत्साह मैंने देखा जितना उत्साह आज। जैसा लता दीदी ने कहा, ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के गठन के परिस्थितियों का हमको अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस होकर सम्मानित जुगादी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के मित्र विधायक पद को त्याग कर उनको मंत्री परिषद में स्थान देना हमारे नेतृत्व के वचनबद्धता है। और आज सवा साल बाद फिर से हम सबका न्याय, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यदि मैं आज मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष मनोनीत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है इसलिए मनोनीत हुआ। यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो गौरव और एक काम करने का अवसर हमारे अपने बालाघाट को नहीं मिला। कांवरे जी भी वल्लभ भवन में बैठे थे, मैं भी किसी काम से जो रूटीन काम होते हैं, विशेष तौर से वो रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के लिए बजट लेना, तो मैं जब गया तो मैं कांवरे जी को नहीं बता सका कि मैं जाऊंगा तो मुझसे क्या बात है, कुछ बातें नहीं। वहां माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई कल घर आइए, मुख्यमंत्री के निवास पर गया तो बोले भव्य पिछड़ा कल्याण आयोग का गठन करना है, मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी आप संभालें। मैंने उनसे कहा कि मुझसे भी ज्यादा योग्य लोग हैं, वही जिन्होंने पिछले वर्ग के लिए काम किया उनको अवसर दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। शाम को करीब 8:30-9 बजे हमारे मीडिया के जो मध्यप्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने प्रेस नोट जारी कर, तो मुझे पता चला कि मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बन गया। वहीं इस वंशीय कार्यक्रम के दौरान राज्य आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, पूर्व विधायक केडी देशमुख, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, वारासिनी के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। कर्णापुर तहसील के अंतर्गत किनी पंचायत में 6 सितंबर को कोदोबर्रा निवासी स्कूली 16 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक किरण मेरावी के द्वारा प्रेम प्रसंग के कारण छात्रा नेहा उइके की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी किरण मेरावी का छात्रा नेहा के साथ प्रेम प्रसंग था। इस दौरान आरोपी किरण मेरावी के परिजनों ने उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही किरण मेरावी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और रोजगार की तलाश के लिए हैदराबाद चला गया। हत्याकांड से एक दिन पहले ही आरोपी किरण मेरावी हैदराबाद से लौटा और मृतिका नेहा उइके को अपने साथ हैदराबाद चलने के लिए दबाव बनाने लगा। उसके द्वारा जब हैदराबाद जाने की बात से इनकार किया गया तो आवेश में आकर आरोपी किरण ने छात्रा नेहा के गले में कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे घटनास्थल पर ही नेहा की मौत हो गई।
घटनास्थल पर आरोपी किरण को मृतिका नेहा की सहेली और ग्रामीणों ने पहचान लिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। फरार आरोपी किरण मरसकोले को किरणापुर पुलिस ने पकड़ लिया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जब ये घटना कारित हुई उसके पश्चात से आरोपी फरार था। आरोपी का मोबाइल नंबर उसके परिजनों से प्राप्त किया गया और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। जहाँ भी जहाँ परिजन रहते थे वहाँ पर पुलिस की दबिश दिलवाई गई। उसके दोस्त रहते थे वहाँ भी मुखबिर तंत्र विकसित कर मुखबिर तंत्र लगाया गया और उसकी लगातार मोबाइल की लोकेशन प्राप्त की गई। जो उसकी मोबाइल की लोकेशन गोजरी के जंगल तरफ प्राप्त हुई थी, इसमें श्री वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें बनाकर उसकी तलाश हेतु टीमें रवाना की गई। जो मुखबिर की सूचना पर कल आरोपी को गोजरी के जंगलों में हमारी टीम पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और उसके द्वारा जो पूछताछ कर उसने घटना में जो हथियार यूज़ किया था कुल्हाड़ी, उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और बाकी कार्रवाई कर उसको न्यायालय पेश किया गया। उसके ऊपर 302 और 341 IPC की धाराएं लगाई गई हैं, उसको आज जेल। वहीं इस मामले में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और दोषी को फांसी दिलाए जाने की मांग की गई। पहले आए थे हम ज्ञापन सौंपने के लिए, जो मध्य प्रदेश शासन की जो मंशा थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए जो महिलाओं के पीछे बच्चों के पीछे जो हमको जो अन्याय मिल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। परंतु यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, जैसे महिलाओं को मदद करने की बजाय उनको तो इधर उधर हर क्षेत्र में उनको बहुत अत्याचार सहना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक कोर्ट अलग से बना के थोड़ा सा महिलाओं को न्याय मिले और जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा हो, ताकि महिलाओं को उनके हक के हक का अधिकार मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कांग्रेस की महिलाएं हम लोग अभी एकत्रित हुए हैं, अगर ये आवाज़ हमारी राज्यपाल तक नहीं पहुंचेगी तो हम सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क पर उतर जाएंगे। फिर मेरा मामला यह ऐसा कि अभी दो दिन पहले किरणापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोदोवरा की बालिका के साथ में जो निर्मम हत्या किरण मसकोले के द्वारा की गई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस बात को लेकर आज माननीय SP साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है, सौंपने आए हैं, क्योंकि एक तरफ देखो तो आज महिलाओं पर अत्याचार सीना ताने खड़ा है, एक और तो भारत का संविधान अपने हक एवं अधिकार के लिए बना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही महिलाओं के साथ में अत्याचार भी सीना ताने खड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को महत्व दे रहे हैं, लेकिन आज कहाँ से हमारी बेटियाँ सुरक्षित है, जो ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, महिलाओं पर बलात्कार होता है, आए दिन समस्याएं बनी रहती है। हम ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बुधवार को नागपुर से तिरोड़ी कटंगी ब्रॉडगेज रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे के ADRM अशोक कुमार सूर्यवंशी दोपहर 1 बजे करीब कटंगी के रास्ते 1200 होते हुए बालाघाट पहुंचे। इस दौरान बालाघाट कटंगी रोड पर गर्रा रेलवे फाटक लगभग 1.5 घंटे तक बंद रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। दरअसल नागपुर मंडल के रेलवे DRM अशोक कुमार सूर्यवंशी इतवारी से तिरोड़ी नागपुर ब्रॉडगेज का निरीक्षण करते हुए 1200 बालाघाट के रास्ते नैनपुर तक निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। इस दौरान दोपहर करीब 1 बजे अचानक बालाघाट कटंगी रेल लाइन पर गर्रा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। समय बीतता गया, इसी बीच बारिश भी शुरू हो गई। लोगों का सब्र जवाब देते नजर आ रहा था और यातायात व्यवस्था बेकाबू हो गई थी। बालाघाट की ओर से आ रहे जाम में फंसे लोगों का सब्र जवाब देते जा रहा था। कुछ देर बाद लोगों ने शंकर घाट के रास्ते वर्षों पुराने जर्जर हो चुके ब्रिटिश कालीन पुल से आवागमन करने की योजना बना ली। फिर क्या था, 1, 2, 3, 4 कर जैसे छोटे पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। थोड़ी देर में ही छोटे पुल पर भी जाम की स्थिति निर्मित हो गई। बड़े पुल से नज़ारा देख रहे लोगों ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। वे भी इस मंजर को देखकर डर गए। जर्जर पुल पर इतनी अधिक भीड़, कहीं कोई घटना घटित न हो जाए, पूरे समय यही डर बना रहा। बिना रेलिंग के पुल पर यदि थोड़ी भी सावधानी हटी तो नीचे की तरफ बह रही बैनगंगा में घटना घटते देर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी ओर शुक्र रहा ब्रिटिश कालीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, वर्षों पुराने जर्जर और बूढ़े हो चुके इस पुल ने बड़ी ही सहजता से इतनी बड़ी भीड़ का लोड उठाया।
यह बात जैसे ही यातायात विभाग को पता चली, थोड़ी देर बाद उन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरी ओर से बालाघाट कटंगी ब्रॉडगेज का गर्रा फाटक खुल चुका था। जैसे तैसे लोगों ने लगभग डेढ़ घंटा दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के इस लंबे अंतराल को बड़े पुल और उससे भी कहीं आगे जाम में फंस कर गुजारा और फाटक खुलने की खबर सुनकर राहत की सांस ली और अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो गए। इसी बीच चर्चा यही चल रही कि रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यदि जल्द ही बालाघाट शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बना देते तो भविष्य में इस तरह के जाम नहीं लगेंगे, वरना ब्रॉडगेज इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ी तो यहां जाम रोज की आम बात हो जाएगी। नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज समीप स्थित एक दुकान में 5 लोगों ने डकैती डालकर इस दुकान के गल्ले में रखे करीब 20,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। 8 सितंबर को 3:30 बजे दिन दहाड़े हुई इस डकैती के दौरान दुकान के संचालक पर चाकू से वार किया गया, जिससे दुकान के संचालक की उंगली कट गई। इस वारदात में घायल इस दुकान के संचालक डिलेश रांगजाले 27 वर्ष ग्राम कोसमी बालाघाट निवासी का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिलेश रांगजाले कोसमी निवासी की पॉलिटेक्निक कॉलेज समीप टी कैफे के नाम से दुकान है। 8 सितंबर को 3:30 बजे जब डिलेश रांगजाले अपनी दुकान में थे, उसी समय दुकान में 5 लोग आए और डिलेश रांगजाले को गालियां देना शुरू कर दी और पानी की बोतल मांग। डिलेश रांगजाले जब पानी की बोतल देने के लिए अंदर गए, तभी इन 5 में से एक व्यक्ति ने दुकान के गले में हाथ डालकर गले में रखे रुपये निकाल लिए। डिलेश रांगजाले जब पानी की बोतल लेकर आया, उसी समय इस व्यक्ति ने चाकू जैसा हथियार निकालकर डिलेश रांगजाले पर वार कर दिया। इस चाकू जैसे हथियार का वार डिलेश रांगजाले की बाएं हाथ की उंगली पर लगे और उंगली कट गई, जिसके बाद 5 व्यक्ति फरार हो गए। इस वारदात में उंगली कटने से घायल डिलेश रांगजाले को उपेंद्र नागपुरिया और दिनेश ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर इलाज करवाया। जिला अस्पताल पुलिस ने डिलेश रांगजाले का बयान लेकर अस्पताल तहरीर तत्काल अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली भिजवा दी। इस तथाकथित डकैती की जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है। इस घटना के संबंध में पद्मेश 24/7 ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित ट्री कैफे के संचालक डिलेश रांगजाले से पूछताछ की तो उन्होंने 20,000 रुपये दुकान के गल्ले से ले जाने की बात कही और बताया कि इस घटना की शिकायत पुलिस चौकी बालाघाट में की गई है। 9 सितंबर को शिकायत कोतवाली में की जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित मुख्य मार्केट एवं ग्राम पंचायत अमोली में 2 स्थानों पर गत 3 व 4 सितंबर की दरमियानी रात्रि में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों वार्ड क्रमांक 3 गौश नगर बालाघाट निवासी 22 वर्षीय आमिर खान व वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला बालाघाट निवासी 22 वर्षीय राहुल पालेवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों आरोपियों को बकोड़ा वारासुनी मार्ग पर स्थित चिंद्राई देवी मंदिर के पास से 7 सितंबर को देर शाम गिरफ्तार किया गया, जिसके पश्चात पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मुख्य मार्केट एवं अमोली में 2 स्थानों पर चोरी किया जाना कबूल किया है, जिसके पश्चात आरोपियों के पास से मार्केट में एक दुकान से चोरी किए गए 1,500 रुपये और एवं अमोली में नंदा चौहान के घर से चोरी किए गए 15,000 रुपये में से 5,000 रुपये जब्त किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के द्वारा अमोली में अब्दुल हसीब कुरेशी के घर से चोरी किए गए स्कूटी वाहन को ग्रीन वैली स्कूल के पास खड़ा किया जाना स्वीकार किया, परंतु उस स्थान से वाहन बरामद नहीं हो पाया जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बताया कि क्षेत्र में निरंतर चोरी की वारदातें घटित हो रही है एवं 3 व 4 सितंबर की दरमियानी रात्रि में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया एवं इसी रात्रि में ग्राम अमोली में नंदा चौहान के मकान का ताला तोड़कर नकदी एवं गहने एवं अब्दुल हसीब कुरेशी के घर के सामने से पोर्च में खड़े वाहन की चोरी की थी। अपना थाना लालबरा के अंतर्गत दिनांक 3 और 4 के दरमियानी रात में ये थाने के सामने मार्केट अपना सरापा मार्केट से लगा हुआ किराना दुकान है, जहां पर 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी से आके ताला तोड़कर चोरी किए और स्कूटी को उसी स्थान पर छोड़ दिए थे, जिस पे स्कूटी तो तत्काल मिल गई थी। दोनों आरोपी फरार हो गए थे, जिसके साइबर सेल के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के गाइडेंस पर तलाश पता साजिश की गई, जो 3 तारीख को अमोली ग्राम में भी 2 स्थानों पर चोरी किए थे। एक्टिवा गाड़ी लेके गए थे, जिनको दिनांक कल 7/9/21 को घेराबंदी करके संदेहियों को साइबर सेल के माध्यम से चिंदा देवी हमरिया के पास जंगल के पास घेराबंदी करके पकड़े, जिनको लेकर आए पूछताछ की, जिनके द्वारा लालबरा थाने के अंतर्गत
चोरी का कबूल करने पर विधिवत पूछताछ की गई है, जिनसे किराना दुकान से 1500 रुपये करना जब्ती हुआ और जिसके का सोना चांदी चोरी हुए थे, जिसमें 15000 रुपये में से